हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर नॉलेज सीरीज के पार्ट 21 के बारे में। और जैसा कि आपको बताया, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 20 तक आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके सभी रिमेनिंग पार्ट्स को देख सकते हैं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे उसका पार्ट 21, ठीक है दोस्तों, जो रहेगा क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप्स, या बोल सकते हैं कि फसल के क्रांतिक चरण कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। उससे पहले अगर आपने एग्री मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो और एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेज होती है क्रॉप्स में, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एमसी क्वेश्चन आएंगे उसका आपको आंसर गैस करना होगा, और उसके बाद हम पूछेंगे आज का स्पेशल क्वेश्चन जिसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है, और फिर डिस्कस करेंगे कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके सही आंसर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये क्रॉप है, ये क्रिटिकल स्टेज है। तो राइस की बात करेंगे तो इनिशियल टिलरिंग, फ्लावरिंग, बूटिंग और पेनिकल इनिशिएशन, ये दोस्तों राइस की क्रिटिकल स्टेजेस हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैंने ब्लू किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तो याद करना ही करना है, ठीक है। पेपर में अगर आएगा तो जो ब्लू वाला है उससे ही आपका पेपर में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको याद सारे रखने हैं, लेकिन आपको जो फोकस करना है वो ब्लू वाले जो एम्फेसाइज मैंने किया है इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे वीट की, तो एक होती है CRI, क्रॉन रूट इनिशिएशन, ठीक है। दूसरी होती है टिलरिंग, उसके बाद जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग स्टेज और डॉ स्टेज। तो ये होती है वीट की क्रिटिकल स्टेज। आगे बात करेंगे मेज की, तो टेसलिंग एंड सिल्किंग दो स्टेज होती हैं जो मोस्ट क्रिटिकल होती हैं मक्का के लिए। बार्ले की बात करेंगे तो यहाँ पर बूट स्टेज और डॉ स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जौ के फसल के लिए। आगे बात करेंगे शुगरकेन की बात करेंगे गन्ने की, तो टिलरिंग, अर्ली ग्रोथ, एक्टिव ग्रोथ और इलोंगेशन, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेजेस हैं गन्ने की। आगे ग्राउंडनट की बात करेंगे तो फ्लावरिंग, पैगिंग और पॉड डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। इसमें पैगिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉटन की बात करेंगे तो फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन, तो दोस्तों बॉल फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कॉटन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें बॉल फॉर्मेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि बॉल फॉर्मेशन किस फसल में होता है या किस फसल का स्टेज है, तो आपको वहाँ पर कॉटन टिक कर देना है। शोरगम की बात करेंगे ज्वार की, तो इनिशियल सीडलिंग, प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, ग्रेन फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ शोरगम, ओके। देन नेक्स्ट पिजन पी, इट इज ऑल्सो नोन एज रेड ग्राम, या इसको अरहर भी बोलते हैं। द क्रिटिकल स्टेज ऑफ पिजन पी इज फ्लावर इनिशिएशन एंड पॉड फिलिंग, तो पॉड फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ पिजन पी। नेक्स्ट बात करेंगे पल्सिस की, तो फ्लावरिंग एंड पॉडिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट हैं, फ्लावरिंग एंड पॉडिंग। आगे बात करेंगे पी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्री ब्लूम स्टेज होती है जो मटर के लिए होती है। नेक्स्ट ग्राम की बात करेंगे तो प्री फ्लावरिंग एंड पॉड फिलिंग स्टेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ ग्राम, ठीक है। सोयाबीन की बात करेंगे तो ब्लूमिंग एंड सीड फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज। लेकिन ब्लूमिंग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ब्लूमिंग याद कर लेना है, क्वेश्चन बनेगा तो ब्लूमिंग से क्वेश्चन आएगा। सनफ्लावर की बात करेंगे तो प्री फ्लावरिंग और पोस्ट फ्लावरिंग, क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज हैं सनफ्लावर की, प्री फ्लावरिंग एंड टू पोस्ट फ्लावरिंग। बरसीम की बात करेंगे तो आफ्टर ईच कटिंग, ठीक है, जब भी कटाई करते हैं बरसीम की, उसके बाद जो कंडीशन आती है या स्टेज आती है उसी को दोस्तों वो क्रिटिकल स्टेज होती है बरसीम की, उस टाइम उसको पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात करेंगे कॉफ़ी, फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ कॉफ़ी, ठीक है दोस्तों। मैंगो की बात करेंगे तो प्री फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग, लेकिन प्री फ्लावरिंग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में। चिलीज की बात करेंगे मिर्च की, तो फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ चिली, तो मिर्च के लिए फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग हो जाएगा। पोटैटो की बात करेंगे तो ट्यूबर इनिशिएशन टू मैच्योरिटी, जब से ट्यूबर का बनना स्टार्ट होता है और जब तक आलू मैच्योर नहीं हो जाता है वो उसकी दोस्तों सभी क्रिटिकल स्टेज में आता है आलू के में। आगे बात कर लेते हैं टमाटो का, तो टमाटो का है फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग। कैरेट का बात करेंगे तो रूट एनलार्जमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ कैरेट, तो गाजर के लिए रूट एनलार्जमेंट क्रिटिकल स्टेज है। अनियन की बात करेंगे तो बल्ब फॉर्मेशन एंड प्री मेच्योरिटी, लेकिन बल्ब फॉर्मेशन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, क्लियर दोस्तों। साइट्रस की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लावरिंग होता है, फ्रूट सेटिंग होता है, फ्रूट एनलार्जमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज है
साइट्रस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे मोस्टली सभी क्रॉप्स की क्रिटिकल स्टेज। अब इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं जिसका आपको सही आंसर गैस करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपका AFO 2019 में आया था, तो जान लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था। तो व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट क्रॉप, गेहूं की फसल का क्रांतिक चरण क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको गैस करना है। तो इसका सही आंसर है CRI, क्रॉन रूट इनिशिएशन। दोस्तों ये 21वें दिन आफ्टर सोइंग 21st डे होता है, तब ये स्टेज स्टार्ट होती है क्रॉन रूट इनिशिएशन, और उस टाइम गेहूं की फसल को पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि CRI ही क्रिटिकल स्टेज होती है वीट की, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज क्रॉप, मक्का की फसल का क्रांतिक चरण क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको गेस करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेसलिंग एंड सिल्किंग। तो दोस्तों सिल्किंग और टेसलिंग मक्का का क्रिटिकल स्टेज कह सकते हैं, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन, बॉल फॉर्मेशन इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ विच क्रॉप, बॉल का गठन किस फसल का क्रांतिक चरण है। आपके सामने चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको गैस करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉटन। तो दोस्तों कॉटन में आपका बॉल फॉर्मेशन होता है, और अगर हम बात करेंगे सोयाबीन की तो यहाँ पर ब्लूमिंग होता है, और एक आपका सीड फॉर्मेशन होता है, इसके क्रिटिकल स्टेज हो गई। पोटैटो की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि ट्यूबर इनिशिएशन लेके मेच्योरिटी तक, जब तक ट्यूब बनना स्टार्ट होता है और जब तक वो फुली मेच्योर नहीं हो जाता है, उसकी क्रिटिकल स्टेज होती है। तो बॉल का गठन किस में होता है, कॉटन में, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 400 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन जरूर दबाना। और दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी इरिगेशन स्टेजेस आर इन वीट क्रॉप, गेहूं की फसल में सिंचाई के कितने चरण होते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको गेस करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। दोस्तों 6 चरण यहां पर होते हैं गेहूं की फसल में। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है CRI, क्रॉन रूट इनिशिएशन, टिलरिंग स्टेज सेकंड नंबर, जॉइंटिंग स्टेज थर्ड नंबर, उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज, उसके बाद मिल्किंग स्टेज और लास्ट डॉ स्टेज। तो दोस्तों यहां पर आपको 6 क्रिटिकल स्टेज देखने को मिलती हैं वीट क्रॉप में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ अनियन क्रॉप, प्याज की फसल का क्रांतिक चरण क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको गैस करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बल्ब फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर बल्ब फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ अनियन क्रॉप। तो जो अनियन में बल्ब बनना स्टार्ट होता है वो दोस्तों उसका क्रांतिक चरण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हमने टेबल में करा दिए हैं। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और उसके बाद हम पूछेंगे आज का स्पेशल क्वेश्चन, और फिर कल पूछे गए क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि उसका सही आंसर क्या है। तो छठवां क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ मैंगो, आम की फसल का क्रांतिक चरण क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको गैस करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों प्री फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग दोनों ही आम का क्रांतिक चरण है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों AFO में क्रिटिकल स्टेज से क्वेश्चन आता है, हर बार आया है। तो इस बार भी दोस्तों चांस है कि इससे आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो सब हमने कवर कर ली है, और अब आगे चलेंगे दोस्तों आज के क्वेश्चन पर, जो कि आज का स्पेशल क्वेश्चन रहने वाला है। तो आज का दोस्तों स्पेशल क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रॉप ड्यूरेशन ऑफ सनफ्लावर क्रॉप, सूरजमुखी की फसल अवधि क्या होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 60 से 80 दिन, 90 से 100 दिन, 140 से 150 दिन, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन पे और फिर उसका आंसर डिस्कस करेंगे। दोस्तों कल का क्वेश्चन था, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ग्रोथ इन प्लांट्स, पौधों में वृद्धि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन थे, उसका दोस्तों सही आंसर था क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ दोस्तों ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर करते हैं।
तो देख लेते हैं कैसा होता है क्रेस्कोग्राफ। तो दोस्तों ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये क्रेस्कोग्राफ है, इसी की हेल्प से वी कैन मेजर द ग्रोथ इन प्लांट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई दोस्तों आज की वीडियो, और ये आपका आज का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, और कल वाले क्वेश्चन के काफ़ी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, सो वेल डन फॉर योर एफर्ट। और दोस्तों आज के क्वेश्चन का आपको सही आंसर कमेंट करना है, और आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आज सही गैस किए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन के बारे में पता चल सके, जो कि क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप से थे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम एक व्हाट्सएप या एफबी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट को इस इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।